नंबर में है तुझे मेरी कसम, जो 2003 में रिलीज हुई थी। बजट था 3 करोड़, कलेक्शन किया था 12 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। दो नंबर में है बॉयज, जो 2003 में रिलीज हुई थी। बजट था 10 करोड़, कलेक्शन किया था 20 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था। तीन नंबर में है सत्यम, जो 2003 में रिलीज हुई थी। बजट था 2 करोड़, कलेक्शन किया था 6 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था। चार नंबर में है मस्ती, जो 2004 में रिलीज हुई थी। बजट था 12 करोड़, कलेक्शन किया था 32 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। पाँच नंबर में है सांबा, जो 2004 में रिलीज हुई थी। बजट था 60 लाख, कलेक्शन किया था 1 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था। छह नंबर में है साइक, जो 2004 में रिलीज हुई थी। बजट था 8 करोड़, कलेक्शन किया था 13 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था। सात नंबर में है ना लुडू, जो 2005 में रिलीज हुई थी। बजट था 30 लाख, कलेक्शन किया था 75 लाख और इसको हिट का टैग मिला था। आठ नंबर में है सचिन, जो 2005 में रिलीज हुई थी। बजट था 1 करोड़, कलेक्शन किया था 2 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था। नौ नंबर में है सुभाष चंद्र बोस, जो 2005 में रिलीज हुई थी। बजट था 4 करोड़, कलेक्शन किया था 1 करोड़ और इसको डिजास्टर का टैग मिला था। 10 नंबर में है हैप्पी, जो 2006 में रिलीज हुई थी। बजट था 10 करोड़, कलेक्शन किया था 33 करोड़ और इसको सुपरहिट का टैग मिला था। 11 नंबर में है राम, जो 2006 में रिलीज हुई थी। बजट था 4 करोड़, कलेक्शन किया था 6 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था। 12 नंबर में है बोमरिल्लू, जो 2006 में रिलीज हुई थी। बजट था 6 करोड़, कलेक्शन किया था 50 करोड़ और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 13 नंबर में है चेन्नई काधर, जो 2006 में रिलीज हुई थी। बजट था 4 करोड़, कलेक्शन किया था 11 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। 14 नंबर में है धी, जो 2007 में रिलीज हुई थी। बजट था 2 करोड़, कलेक्शन किया था 5 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। 15 नंबर में है मिस्टर मेधवी, जो 2008 में रिलीज हुई थी। बजट था 3 करोड़, कलेक्शन किया था 3 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 16 नंबर में है सत्या इमलाव, जो 2008 में रिलीज हुई थी। बजट था 4 करोड़, कलेक्शन किया था 6 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था। 17 नंबर में है संतोष सुब्रमण्यम, जो 2008 में रिलीज हुई थी। बजट था 10 करोड़, कलेक्शन किया था 60 करोड़ और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 18 नंबर में है मेरे बाप पहले आप, जो 2008 में रिलीज हुई थी। बजट था 20 करोड़, कलेक्शन किया था 36 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। 19 नंबर में है रेडी, जो 2008 में रिलीज हुई थी। बजट नॉट अवेलेबल, कलेक्शन नॉट अवेलेबल, वर्डक नॉट अवेलेबल। 20 नंबर में है जाने तू जाने ना, जो 2008 में रिलीज हुई थी। बजट था 15 करोड़, कलेक्शन किया था 84 करोड़ और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 21 नंबर में है ससिरेखा परिणाम, जो 2009 में रिलीज हुई थी। बजट नॉट अवेलेबल, कलेक्शन नॉट अवेलेबल और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 22 नंबर में है लाइफ पार्टनर, जो 2009 में रिलीज हुई थी। बजट था 25 करोड़, कलेक्शन किया था 31 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 23 नंबर में है कथा, जो 2009 में रिलीज हुई थी। बजट नॉट अवेलेबल, कलेक्शन नॉट अवेलेबल और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 24 नंबर में है चांस पे डांस, जो 2010 में रिलीज हुई थी। बजट था 29 करोड़, कलेक्शन किया था 33 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 25 नंबर में है उथामा पुथिरन, जो 2010 में रिलीज हुई थी। बजट नॉट अवेलेबल, कलेक्शन नॉट अवेलेबल और इसको हिट का टैग मिला था। 26 नंबर में है ऑरेंज, जो 2010 में रिलीज हुई थी। बजट नॉट अवेलेबल, कलेक्शन नॉट अवेलेबल और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 27 नंबर में है उर्मी, जो 2011 में रिलीज हुई थी। बजट नॉट अवेलेबल, कलेक्शन नॉट अवेलेबल और इसको हिट का टैग मिला था। 28 नंबर में है फोर्स, जो 2011 में रिलीज हुई थी। बजट था 28 करोड़, कलेक्शन किया था 39 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 29 नंबर में है वेलायुधम, जो 2011 में रिलीज हुई थी। बजट नॉट अवेलेबल, कलेक्शन नॉट अवेलेबल और इसको एवरेज का टैग मिला था। 30 नंबर में है तेरे नाल लव हो गया, जो 2011 में रिलीज हुई थी। बजट था 14 करोड़, कलेक्शन किया था 30 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था। 31 नंबर में है ना इश्ताम, जो 2012 में रिलीज हुई थी। बजट नॉट अवेलेबल, कलेक्शन नॉट अवेलेबल और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 32 नंबर में है इट्स माई लाइफ, जो 2020 में रिलीज हुई थी। बजट नॉट अवेलेबल, कलेक्शन नॉट अवेलेबल और यह मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। 33 नंबर में है मिस्टर मम्मी, जो 2022 में रिलीज हुई थी। बजट नॉट अवेलेबल, कलेक्शन नॉट अवेलेबल और यह मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी।
34 नंबर में है वेद जो 2022 में रिलीज हुई थी। बजट था 15 करोड़, कलेक्शन किया था 75 करोड़ और इसको सुपरहिट का टैग मिला था। 35 नंबर में है ट्रायल पीरियड जो 2023 में रिलीज हुई थी। बजट नॉट अवेलेबल, कलेक्शन नॉट अवेलेबल और यह मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी।